सोशल मीडिया में उज्जैन में आयोजित विक्रम उत्सव 2023 में कुमार विश्वास के रामकथा निरस्त होने का एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। जिसके पास भी ये पत्र पहुंचा है वो चौंक गए हैं। हालांकि महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ ने इसे झूठा बताया है। आपको बता दें कि महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विक्रम उत्सव 2023 के अंतर्गत 21 से 23 फरवरी तक चलने वाला कुमार विश्वास की रामकथा का कार्यक्रम जारी है। सोशल मीडिया पर निदेशक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के नाम से जारी पत्र नकली है, जो विघ्न संतोषियों द्वारा जारी किया गया है। इसकी कोई सत्यता नहीं है। वहीं आयोजकों की ओर से बताया गया है कि कुमार विश्वास के कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर चला पत्र झूठा है एवं 22 फरवरी से 23 फरवरी तक उज्जैन में यह कार्यक्रम जरूर होगा। बता दें कि कुमार विश्वास ने अपनी कथा के दौरान मंगलवार को संघ पर निशाना साधा था, जिसे लेकर कई जगह उनका विरोध भी हो रहा है। कार्यक्रम निरस्त करने की मांग भी की गई थी। इसी बीच एक पत्र तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुमार विश्वास को संबोधित कर लिखा गया था कि आपसे विक्रम उत्सव में रामकथा के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन एक भक्तिमय रामकथा में आपके द्वारा 21 फरवरी 2023 को आयोजित कार्यक्रम में अवांछित, अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, जिसको लेकर समाज में अत्यंत रोष है। अतः शेष रामकथा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कवि और लेखक कुमार विश्वास उज्जैन में रामकथा के प्रेरक प्रसंग सुनाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामकथा के प्रसंग सुनाने के दौरान आरएसएस पर निशाना साधा था और संघ को अनपढ़ कहा था। जिस वक्त कुमार विश्वास ने संघ के बारे में ये कहा था, उस दौरान मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे।